मेरे वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करें। अभी कीजिए। शाका गाइस, आज हम ट्रैवल करेंगे पास्ट में और जाकर लेंगे कुछ इंस्पिरेशन। नहीं, लास्ट ईयर नहीं और कल भी नहीं, बल्कि मिलियंस ऑफ इयर्स अगो एंड बैक। तैयार हो जाइए कुछ टिप एंड ट्रिक्स के लिए, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूं, बिलीव इट और नॉट, हाउ टू क्रिएट अ डायनो फॉसिल। आपको चाहिए क्ले, स्पॉन्ज, एक्रेलिक कलर, डायनासोर टॉय, ग्लास, वाटर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, स्टिक एंड ब्रश। ओके, तो चलिए बनाते हैं एक डायनो फॉसिल। तो सबसे पहले हम लेंगे क्ले। तो ये है रेगुलर मॉडलिंग क्ले। आप इसे ऐसे प्रेस करके एक बड़ी सी बॉल बना सकते हैं। थोड़ा फैला दीजिए। तो ये एक्ट करेगा बेस रॉक की तरह हमारे फॉसिल के लिए। और फॉसिल के लिए हमें चाहिए डायनासोर। तो ये रहा मेरा डायनासोर, और ये थोड़ा गुस्से में लग रहा है मुझे। लुक एट द माउथ। तो आप ऐसे किसी भी टॉय को ले सकते हैं और इसे ऐसे प्लेस करिए और ऊपर से प्रेस कर दीजिए, ताकि इसकी शेप इस क्ले में आ जाए। थोड़ा सा और प्रेशर अप्लाई करेंगे और डायनासोर को प्रेस करेंगे इस मॉडलिंग क्ले के अंदर। अच्छी तरह प्रेस कीजिए। तो मैंने ऐसा टॉय लिया है जिसमें बहुत सारा टेक्सचर है, देयर्स अ लॉट ऑफ डिटेल। तो जब मैं बाहर निकालूंगा तो मेरे पास नाइस डिटेल्ड इंप्रेशन होगा इस डायनासोर का मेरी मॉडलिंग क्ले पर। ये देखिए, बहुत ही प्यार से खींचिए और आप देख सकते हैं यहां पर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन छप गया है इस डायनो का। अब हम इसे नीचे रख देते हैं और लेंगे थोड़ी और क्ले। मैं इसकी एक वॉल बना रहा हूं जिसे मैं लगाऊंगा इस इंप्रेशन के चारों तरफ, ताकि हम इसके अंदर पीओपी को आराम से डाल सकें और वो बाहर ना गिरे। ओके, तो हमारी वॉल तैयार है। तो अब बारी है हमारे स्पेशल इंग्रेडिएंट प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो ये रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और मैं डालूंगा इसमें थोड़ा सा पानी। इसे अच्छी तरह स्टर करेंगे, और आपको याद रखना है कि इसे अच्छी तरह डाइल्यूट करना है, ताकि आपको डायनासोर का इंप्रेशन बिल्कुल परफेक्टली मिल जाए। ओके, चलिए इसे डालते हैं इसमें। तो आपने देखा ना, पीओपी कितनी जल्दी सूख जाता है। ये सूखना शुरू भी कर चुका है, गेटिंग थिकर। तो इसको सूखने में कुछ मिनट लग सकते हैं, शायद 5। तो हम इसे साइड में रख देते हैं। तो मैं 5 मिनट में क्या कर सकता हूं? मैं पॉपकॉर्न खा लेता हूं। मेरा तो पेट भर गया। ओके, पॉपकॉर्न को हटाते हैं। अब बारी है डायनो फॉसिल की। ये देखिए, बिल्कुल सूख गया ये। सबसे पहले इस वॉल को हटाएंगे, आराम से हटाइएगा। और वॉल हटाने के बाद आप इसे ऐसे घुमाइए और बस क्ले को आराम से उठा लीजिए। एंड देयर यू हैव डायनो फॉसिल। और ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो शेप बनी है, ये बनी है डायनो बॉडी के काफी सालों के पत्थरों में दबे रहने के बाद। ये काफी रियलिस्टिक लग रहा है, नहीं ना? अगर आप इसे और इंप्रेसिव बनाना चाहते हैं तो आप इस पर पेंट कर सकते हैं। तो चलिए पेंट लेते हैं। मैं यूज कर रहा हूं एक्रेलिक कलर्स। ओके, तो हम ट्राई करेंगे इसे थोड़ा रॉक स्ट्रक्चर देने की। तो मैं लूंगा स्पॉन्ज और मैं इस पर कलर को ऐसे डैप कर दूंगा। और आपको इसे पूरा पेंट करना होगा ताकि ये एक एक्चुअल रॉक लगे, ना कि ऐसा कि जिसे आपने खुद पेंट किया है। और इसी के साथ आपका डायनो फॉसिल तैयार हो गया है। लुक एट दैट, काफी रियलिस्टिक है। और ये टेक्निक यूज करके आप फॉसिल बना सकते हैं किसी भी चीज का।